आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है यह है कि कुछ बच्चों का जो है अभी तक जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जो है उनके ईमेल पर, उनके टेलीग्राम पर जो है भेजा है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी जो है दो तीन बच्चे ऐसे है, दो तीन बच्चियां ऐसी है जिनका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और वहां पर एप्लीकेशन नॉट फाउंड लिख रहा है। तो इसका कहने का अर्थ है कि अगर आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म डालते समय किसी तरह की कोई गलती की होगी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो इसका निदान कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ऐसे मैं बता दूं कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि मैंने फॉर्म डाला था लेकिन साइबर वाले ने उसका पेमेंट नहीं किया। तो देखिए, इस केस में जो है आपका एडमिट कार्ड तो नहीं आएगा, अभी भी जो है आपके पास समय है। जिन बच्चों ने सही से पेमेंट करवाया है उनके पास रिसिप्ट है, तो वह क्या कर सकते हैं कि पटना बोर्ड ऑफिस जाकर वहां पर एप्लीकेशन देकर जो है वहां से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। वहां पर जाकर बता सकते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। वहां पर सभी चीजों के निदान के लिए सिस्टम बने हुए हैं, अगर उस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जरूर मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका जो है आज 10 तारीख है और आपके 14 सितंबर से जो है आपका एग्जाम है, तो अभी भी आपके पास 4 दिन है। अगर आप बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप पटना आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि पटना आने में आपको 4 से 6 घंटे लग सकते हैं ट्रेन से, लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है, डीएलएड करना है, तो आप ये रिस्क तो आपको उठाने पड़ेंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया है। मैंने आज भी 2 बच्चों का दिया है, एक बच्चिया को दिया है। और देखिए, दिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है ना, उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ इश्यू है। मेरे टीम मेंबर के द्वारा जो है हमेशा प्रयास किया गया है, ईमेल के माध्यम से भी जो है मैंने बोर्ड के पास भेजा है उनका रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ लिखकर, लेकिन जवाब में जो है अभी तक नहीं आया है। कुछ बच्चों का जो है मैसेज करने के बाद जो है 24 घंटा के बाद जो है उनका डाउनलोड हो गया है। तो मैं आपसे एक बार ये भी अनुरोध करूंगा कि एक बार जो साइट पर दिए गए नंबर है, जो आपके मेल है, उस पर जरूर एक बार आप लोग अपना नेम, अपना रोल नंबर, अपना ईमेल आईडी और आपका जो एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको लिखकर जरूर भेजे। मे भी आपके 24 घंटे में डाउनलोड होने का संपर्क हो सके, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप जरूर बोर्ड ऑफिस जाए, वहां से अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, वहां पर एप्लीकेशन देकर वहां पर निकल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी मिल जा रही होगी, अच्छी लगी होगी। आप लोग जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरे स्तर से जितना हो सका मैंने आपके लिए किया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बार बार ये कॉल मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्तर से हमेशा प्रयास किया हूं आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए और हमेशा करता रहूंगा। मैंने उन बच्चों को और बच्चियों के लिए जो है डाउनलोड के ऑप्शन के लिए मैंने बता दूं कि कम से कम 20 बार से ऊपर चेक किए जा चुके हैं हमारे टीम मेंबर के द्वारा से, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ इश्यू होंगे, इसके निदान के लिए आपको बोर्ड ऑफिस जाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।